इद्दत निकाह केस में पीटीआई बानी ए बुशरा बीवी जो सजाओं कल अदम करार। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बानी पीटीआई ए बुशरा बीवी जो सजाओं खिलाफ अपीलू मंजूर कदे खेन आजो करार दई छो। जैसे पीटीआई बानी ए बुशरा बीवी कें बे केस में गिरफ्तार नाहन तो आजाद कया वे। सेशन कोर्ट के जज अफजल मजुका जो हुकुम अदालत तरफा बानी पीटीआई ए बुशरा बीवी की आजादी ला रोबकार भी जारी कया वा। गुजरियल साल सिविल जज कुदरतुल्ला की अदालत पारा इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई ए बुशरा बीवी के 7-7 साल कैद की सजा बुधाई वही हुई। तहरीक इंसाफ इद्दत निकाह केस में पीटीआई बानी ए बुशरा बीवी की बरी थे वाली अदालती फैसले की आजियां कर छी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो चवण है अज हक इंसाफ की फतह थी है। दुनिया ऐसी वरतो तो केस जो मकसद पीटीआई बानी के कमजोर करण हो। पीटीआई बानी चाहे तो आईन कानून के बालादस्ती कायम थिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ पारा मखसूस सीटों बाबत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हैरत जो इजहार। नवाज शरीफ के पार्टी अगुवाणन से मुलाकात दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सलाह मशवरा। नवाज लीग के सदर वजीर आला मरियम नवाज समेत पार्टी के मरकजी अगुवाणन जो सूमर से मरियम में इजलास सदाए वरतो। अहम फैसलों जो इम्कान अदलिया आइन की तशरी कर सके थी पर बीहर लिखण उन कम ना है। कालो के फैसले जा सियासी असर वाज नजर अचन था। बशा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ जी सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस संदस चवण है समूर इदार जो जिम्मेवार आइन में लिखल आन आइन ठाण पार्लियामेंट जो कम है। मुस्तबिल में ये रह जै दरवाजो न खड़को उन इंसाफ मिली वो। मखसूस सीटों बाबत सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो समझ का बाहर आए। फैसलो मुंझल है अड़न फैसलों से मायूसी थिए थी। पीटीआई केस में धुरी न हुई असानी क्यादत आसिफ अल जरदारी फरियाल चालपुर के इंसाफ न मिलो। यूसुफ रजा गिलानी के वजीर आजम के अहदे त हटाए वो। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस संदस चवण है तो पीटीआई जो पाँचों गलतियों आन इंट्रा पार्टी चूडू न करायू व्यू। सोशल मीडिया से गाल हली रही हैं तो फैसले में एक पैराग्राफ रह वो हो तो फलाने के आज़ाद कर छो खेस 9 वगे ती वजी आजम तौर हलफ खणा वे। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी केस इलेक्शन केस बुधने ला मुकर कर छो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में एसीपी की 5 रुकनी पैंच 23 जुलाई से बुधनी कदी। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही बेन के नोटिस जारी। आईएमएफ जो ही आखिरी प्रोग्राम हों जैखा पे तरक्की खुशहाली जो सफर शुरू थी। असा के मईशत मुस्तहकम करनी है उन दुख्या सफर तय कर जरूरी है। असा के सब्र बर्दाश्त कुर्बानी जो मुजाहरों करो पव उन सवा ही सफर मुकम्मल नी वजी आजम शहबाज शरीफ जो इस्लामाबाद में FBR हेडक्वार्टर्स में इजलास के खिताब संदस चवण है तो यकीन दियारे तो इज्तिमाही कोशिशों से पाकिस्तान के एक अजीम खुशहाल काबिल एतराम मुल्क बढ़ाई। टैक्स निज़ाम में कमजोरियों खत्म करनी पवंद FBR मुल्की मईशत में करंखे की हडी की हैसियत रखे तो। FBR में डिजिटलाइजेशन जो सफर शुरू थी चुको है। वजीर आजम की FBR चेयरमैन के फ्लोर मिल्स मालिकन से मुलाकात कर समूरा जायज़ मसला हल कर भी हिदायत। वजीर आजम की FBR हेडक्वार्टर्स में शहीदन की यादगार से हाजिरी। पाकिस्तान में IMF विच में स्टाफ लेवल मुआदो थी वो नए मुआदे तहत पाकिस्तान के $70 अरब कर्ज मिलो। मुआदो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मंजूरी से मशरूत। IMF मूजिब मुआशी इस्तेहकाम लाए पाकिस्तान टैक्स आमदनी वधाइंदो। रिटेल सेक्टर में टैक्स नेट वधाए वो जरिए शोबे के टैक्स नेट में आंदो वो। नव कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम जो सबब बणजो। गुजरियल साल पाकिस्तान में महंगाई में घटताई आई नाणे जहा जखीरा बेहतर थे।